अगला सवाल देखते हैं। और एक कृष्णा कुमारी मैडम है, ये तीसरी बार इस शेयर के बारे में पूछ रही हैं। हाल में हमने दो बार इनसे पूछा है, शायद आपसे नहीं, लेकिन ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इन्होंने 1200 शेयर खरीद रखे हैं 136 रुपए पे। मैडम आपका सवाल तो याद हो जाएगा, मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है कि इन्होंने जो फैसला लिया है वो गलत ही हो गया है या सही है? देखिए, मैंने पहले आई थिंक मैंने इसको कवर किया है। और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को आप अगर समझना चाहते हैं तो आप इस सेक्टर को समझें, क्यूएसआर एज ए सेक्टर को समझें। क्यूएसआर एज ए सेक्टर में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया फिलहाल आपको एक लॉस मेकिंग यूनिट मिलेगा। इस हिसाब से मैं आपको किसी भी तरह से नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट कर लो। लेकिन मैं आपको ये सेगमेंट समझाता हूँ, उसके बाद आपको बात समझ में आती है तो आप फैसला ले सकती हैं। ये अभी जो कंपनी है ना, थोड़े एक्सपेंशन मोड में है। इन्होंने कुछ चीज़ें, जैसे इंडोनेशिया में एक पॉपाइज करके इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि आई थिंक इनका एक फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज है। इसका ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी डिमांड एक्सपैंड होगा पॉपाइज का। और फिलहाल जो ये होल्ड करते हैं, जैसे बर्गर किंग का भी इनके पास है, तो आउटलेट्स जो हैं इनके पास, ब्रांड जो हैं इनके पास, ये हैं बड़े अच्छे, लेकिन इनके पास कंपटीशन की भी कमी नहीं है और स्कोप की भी कमी नहीं है। तो अगर आप रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया पूछेंगे, 5 साल और 7 साल और 10 साल की कहानी कैसी है, बड़ी सुंदर। शॉर्ट टर्म में मैं कोई भी बेसिस आपको बताऊंगा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज पैरामीटर सपोर्ट नहीं करेंगे इसके किसी भी तरह से। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप बोलेंगे तो मुझे निगेटिव आरओई वाले स्टॉक कैसे बोल देते, तो वो सब सिचुएशन आएगा। लेकिन अगर आप सेक्टर समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी पॉसिबल है इनके पास, अच्छे ब्रांड्स हैं, इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से आप 5-7 साल का व्यू लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। और वो भी इस लेवल पे भाग भाग के लेने की चीजें नहीं होती हैं। इस कंपनी में कोई भी ऐसा काम नहीं हो गया जिसके कारण आपको 130 पे जाके लेना चाहिए। ये सब कंपनी होती है कभी डिस्ट्रेस प्राइस पे 90, 100, 85, ये सब में कभी गिर के मिलती है, जहाँ पे डर लगने वाली चीज हो। धीरे धीरे इनको पॉकेट में जमा करके रखा जाता है, इनको बिजनेस को स्टडी किया जा सकता है। तो है बिजनेस मॉडल पे काफी अग्रेसिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ठीक लगता है। लेकिन कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके कारण मैं बोल सकूं कि ये बाई बन जाए। पर्सनली अगर मैं देखूं तो चूंकि मैं 5-10 साल की कहानी पे बहुत बिलीव करता हूँ, और उस हिसाब से फेवरेबल चीज है इस कंपनी। बाकी कंपनीज के वैल्यूशन क्यूएसआर में इतने ऊपर हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और बारबेक्यू नेशन तो मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता कि मान लीजिए अगर ठीक ठाक रिव्यू है तो लिया जाए कि नहीं लिया जाए, लेकिन अदरवाइज क्यूएसआर में वैल्यूएशन बड़े महंगे। जी, सितंबर में यहाँ हमने देखा था कि 25% हिस्सेदारी भी बिकी थी। अभी प्रमोटर स्टेक अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने जाएं तो वो 15% के आसपास ही रह गई है। तो इसमें क्या खेल चला है? क्यूएसआर इंडिया जो इसकी इन्वेस्टर थी उसने 25% हिस्सेदारी बेची थी क्यूएसआर एशिया ने, तो जहाँ पर आपको प्रमोटर ही नहीं दिख रहा है, आपको पता ही नहीं लीडरशिप क्या है इसकी, तो कैसे हम 5 साल की बात करें इसके? नहीं, ये सब नेचर चेंज हो रहा है। ये जो प्रमोटेड बिजनेसेस है ना, ये सब आपके, अब आप समझिए कि इंस्टीट्यूशनल रन बिजनेसेस हैं। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक, आप ना कोई मेटल बना रहे हैं, ना आप कोई स्कूटर बना रहे हैं, ना कोई कार बना रहे हैं। ये एक जेनेरिक बिजनेस है जिसमें आप कोई सामान, पहले क्या था, आप एक तरह से अपना रेस्टोरेंट ही खोल रहे हैं, यहाँ खोले वहां खोले, रेस्टोरेंट का ही बिजनेस है। ऐसा कोई जी निश नहीं है जिसमें आपको ऐसा एक्सपर्टीज चाहिए जिसको वो सेक्टर, वो प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। ये बिजनेस में क्या होता है, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, मैकडॉनल्ड्स हो या बर्गर किंग हो, जो भी है, इसमें अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज प्लेस। दैट्स ऑल इज द स्टोरी। आपकी दुकान ऐसे जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कंज्यूम हो सके, और ऑफकोर्स आपका खाना खाने लायक तो होना ही चाहिए। ये दो चीजें हैं तो बस है। और इसमें आपका बिजनेस चलने के लिए एक ही चीज है, आपके पास फंड सपोर्ट होना चाहिए टफ टाइम सरवाइव करने का और स्केल अप करने का, बिकॉज मैसिव ग्रोथ आप कर सकते हैं। आप खुद ही सोचे ना, एक दुकान मैंने, एक रेस्टोरेंट अपने मोहल्ले में खोली, कितना अपने जी शहर में खोल सकता हूँ। तो उस हिसाब से आप इस सेक्टर को समझिए। तो ये फ्रेंचाइज
इंस्टीट्यूशनल रन होंगे, इसमें कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक फैमिली का कोई ओनर हो जिसके एक्सपर्टीज और उसको ड्राइव करना।